अब हम इस वीडियो में लिमिट्स के ग्राफिकल व्यू को एनालाइज करेंगे। अभी हमने देखा था कि फंक्शन fx is equal to 3x upon x, x is equal to 0 पर डिफाइन नहीं होता। अब यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो वह कैसा होगा? सिंस 3x upon x का मतलब है 3, यानी कि y is equal to 3 हमारा इसका ग्राफ होगा। लेकिन यह x is equal to 0 पर डिफाइन नहीं है, इसलिए x is equal to 0 के करस्पोंडिंग एक होलो सर्कल आएगा। तो इस तरह यह गिवन फंक्शन का ग्राफ होगा। अब हमने सीखा था कि लिमिट्स का मतलब यह होता है कि किसी भी फंक्शन को गिवन पॉइंट के नेबरहुड में एनालाइज करना। सिंस जो गिवन फंक्शन है वह 0 पर डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हम इस फंक्शन को 0 के नेबरहुड में एनालाइज करेंगे। अब नेबरहुड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि 0 के जस्ट लेफ्ट में जो पॉइंट है उसके करेस्पोंडिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है, एंड 0 के जस्ट राइट में जो पॉइंट है उसके करेस्पोंडिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है। दैट मींस 0 के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू क्या है, या फिर फंक्शन कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, उसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अब हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि 0 के लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है तो फंक्शन की वैल्यू या फिर y की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी। तो हम ग्राफ से देख सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है वह 3 को अप्रोच कर रही है। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 0 में फंक्शन की वैल्यू 3 के इक्वल होगी। इसी तरह यदि हम राइट नेबरहुड की बात करें, सो राइट नेबरहुड ऑफ 0 में फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी। इसका मतलब यह है कि यदि x की वैल्यू राइट साइड से 0 को अप्रोच करती है तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी। हम ग्राफ से क्लियरली देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू राइट साइड से 0 को अप्रोच करती है उस समय फंक्शन की वैल्यू राइट साइड से 3 को अप्रोच करती है। दैट मीन्स 0 के राइट नेबरहुड में भी फंक्शन की वैल्यू 3 के इक्वल होगी। आई होप इस वीडियो में आपको यह समझ में आ गया होगा कि नेबरहुड का मतलब क्या है। सो बेसिकली नेबरहुड का मतलब यह है कि जिस भी पॉइंट पर हमें लिमिट फाइंड करनी है उसके जस्ट लेफ्ट में फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है और उसके जस्ट राइट साइड में फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है।